मेरे पास असली कंटेंट तो है नहीं, खाली ये 20,000 रुपया खर्च करे जाने निकल का एक ब्लॉग बनाने के लिए, चवन्नी नहीं आती इसमें। हाय गाइस, तो जैसे कि सारे दोस्तों का एक सपना होता है कि हम मिलकर साथ में गोवा ट्रिप पर जाएं, वैसे ही मेरा और आकाश का एक सपना था कॉलेज के टाइम से कि हम दोनों साथ में मिलकर गोवा के ट्रिप पर जाएं। मैं एक बार गया हूँ, बट द थिंग वाज कि मैंने वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की। सो दिस इज माई गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो टू गोवा एंड ब्लॉग वंस अगेन एंड एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स वंस अगेन विद माई ब्रो आकाश। सो गाइस लेट्स गो। जाम हो जाता है। हाँ जाम हो जाता है। तो ये हमारी ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं सीटिंग चेयर कार में। ये बंदा इतना एक्साइटेड है, हम लोग कॉलेज में डिसाइड किए थे हम लोग कॉलेज में डिसाइड किए थे कि हम लोग गोवा जाएंगे और आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं पूरे एक साल बाद। चंदन लव कन्हैया क्या लिखा है, कल्पना आई लव यू चंदन लव कल्पना भाई जो कहीं हिंदी मारियो यहाँ भी मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है। अभी मैं आकाश और दोनों भैया हम लोग मिलकर रील बनाए हैं और वो रील इतनी प्यारी बनी है कि मैं और भैया उसमें दिख ही नहीं रहे, खाली ये और ये है। जो रायपुर आने में हम लोग को 4 घंटा लगता है, 7 घंटा लग गए, हालत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अब हमारा सफर एयरपोर्ट तक का है, रात के 2 बज रहे हैं, कैसे जाएंगे पता नहीं, देखते हैं आगे कुछ कैब वगैरह या ऑटो मिलती है कि नहीं मिलेगी, फिर एयरपोर्ट पहुँच कर आराम से सुन लिया मिल जाएगा। कितना लेते ऑटो वाले, कहाँ हो गया भैया? थक गए भैया, बैटरियाँ हमारे ख़त्म हो गए। सोचो भैया 2:22 हो रहा है, अभी हम लोग स्टेशन पहुँचे और अभी यहाँ पे एक प्यारा सा रेस्टोरेंट मिला जो 24/7 ओपन रहता है। सबसे पहले खाना खाना है क्योंकि मैं सिर्फ दोपहर में खाया था, रात का खाना नहीं खाया और अभी ऑलमोस्ट बोर हो गया, मतलब सुबह भी हो गई है रात भी बहुत भूख लग रही है। हम लोगों ने दाल मखनी ऑर्डर की है और फलका ऑर्डर किया है, बस पेट भरेंगे एयरपोर्ट जाएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह जाके गंगा स्नान करेंगे प्रयागराज में, फिर उसके बाद बैंगलोर जाएंगे। ये हमारी आइटनरी है कल की, होपफुली हो जाए, बहुत थक गए। ये है हमारी एयरपोर्ट तक की सवारी। तो यही लगा जैसे रेलवे स्टेशन खुला रहता है, एयरपोर्ट भी खुला ही रहता होगा 24/7।
यहाँ आके देख रहे हैं ना, सुन सपाट भाई, एक बंदा नहीं है।